ये वाटर वेल हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप जाओगे आपको रन करना है। अच्छा, इसमें वाला जो है ब्लैक करती वाला, हाँ हाँ, ये 600 का। और ये तो गाइस फाइनली मैं अभी भीमताल से थोड़ा ऊँचा ऊपर आने के बाद पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और ये मेरे ऊपर की साइड में देखिए पैराग्लाइडिंग के लिए कितनी ऊपर से जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। तो अभी हम भीमताल से ऊपर आने के बाद ये पहाड़ी की तरफ आए हैं जहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आता है। ये देख सकते हैं आप सारी पहाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक। और सामने यहाँ पर आपको झील दिखाई दे रही है। तो बस अभी इसी झील के पास हमें जाना है। ये झील जो है नौकुचिया ताल की झील है, यहाँ से अभी हमें वहीं जाना है। अगर आपने अभी तक हमारी भीमताल की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी भीमताल की वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं दिखाऊँ आपको पैराग्लाइडिंग ये हो रही है और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ से देखने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा व्यू लग रहा है, तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा और जो लोग इसके अंदर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों बने रहें वीडियो पर, इन्जॉय करें। तो अब हम चलते हैं नौकुचिया ताल की तरफ अपनी गाड़ी से। तो बने रहे हैं हमारी वीडियो पर, हम वहाँ का शूट करके आपको दिखाते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो बने रहे हैं हमारी वीडियो पर, गुड लक। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं नौकुचिया ताल के पास में, आप देख सकते हैं। बोट है यहाँ पर, ये बोटिंग भी होती है, देख सकते हैं आप झील के अंदर बोटिंग चल रही है। और नौकुचिया ताल के पास में एक झील हो रही है, इसका नाम है, क्या नाम था भाई इसका, कमल ताल। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कमल ताल है ये। ये रहा कमल ताल, देख सकते हैं आप, ये कमल आता है, इसके अंदर पत्ते हैं दिख रहे हैं आपको। इसके अंदर कोई बोटिंग वगैरह नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये सिंपल ही है, छोटा सा भी है। इसको बोलते हैं वाटर बैलून। ये भैया साथ में है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगे इसको क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं और इसका रेंट क्या है, सब चीज़ें अभी मैं बताता हूँ। ये वाटर बैलून है। अच्छा, इसके अंदर आप जाओगे आपको रन करना है। अच्छा, इसमें हाँ, जितना रनिंग करते हैं इतनी दूर जा सकते हैं, आगे की ओर मूव करेगा। अच्छा, रोप कंट्रोलिंग रोप जो है, हाँ, ये आपको, ये हमारे हाथ पर रहता है, ये 50 मीटर रोप है। अच्छा, तो आप नहीं चलोगे तो ये बैक आ जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा। हाँ, कि एयर का फ्लो है ना भैया। अच्छा, इसको आता है। अच्छा, और इसका रेंट क्या है भैया? 200 पर हेड। 200 रुपये पर हेड। हाँ, टाइमिंग कितनी होती है इसके अंदर? 1-2 टाइम मिनट है, अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो 5 मिनट एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और ये जो बोट है इसका क्या है? 400-600 पर बोट, ये सोफे वाला, ये 600, ये सिटिंग 400, बेड 5 वाला जो है ब्लैक कलर वाला, हाँ हाँ, ये 600 का। और ये भी 600। और इधर ये भी 600। अच्छा, इसकी कितनी डिस्टेंस कितना देता है अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो आगे तक? आगे तक 20-25 मिनट का रहता है राउंड। अच्छा, 20 से 25 मिनट का राउंड देता है? मिनट का। अच्छा अच्छा, तो चलाने वाले इसमें साथ में जाते होंगे ना? हाँ। अच्छा, हमारा लगाएगा, घुमा कर जाएगा, बढ़िया साथ में बंदा रहता है, वो घुमा करके लाता है। चलो अच्छा है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने भैया से ली है और आपको बता दी है कि आप यहाँ पर आने के बाद किसी भी एक्टिविटी में जाते हैं तो उसका क्या चार्जेस पड़ता है और किस तरह से उसके अंदर जाते हैं और कितनी टाइमिंग होती है, सब भैया ने बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करना, शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि लोग यहाँ पर आएँ तो फुल इन्जॉय कर सकें। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये सब देख करके? मज़ा आ रहा है। अगर आपको ये झील और हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो गाइस सपोर्ट करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी और आप लोग यहाँ आना चाहेंगे, क्योंकि हिल स्टेशन में है। हिल स्टेशन में आप कहीं भी चले आओ, मौसम बहुत अच्छा होता है, मौसम सब जगह ठंडा ही रहता है। यहाँ पर भी मौसम ठंडा ही है, गर्मी का इतना फील है नहीं यहाँ पर कुछ भी। सूरज है, सूरज की वजह से सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी को जितनी ऊपर आप जाओगे इतने ही धूप की तपिश सामने से, मतलब धूप की रोशनी पड़ती है। तो वीडियो में अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।